तो गायब हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी हमें बाकी 6 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा ताकि गोकू को जिंदा कर सके। हाँ, मगर इसके लिए हमें और ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी पता नहीं यामचा कहाँ भाग गया है। वो तुम ही थी जिसने उसे भगाया है। कुछ भी हो, मुझे लगता है हमें घर वापस चलना चाहिए। चलो, वहाँ काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, और बताओ तुम क्या करोगे पिकलो? अरे बाबू, मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं बच्चे को साथ लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, एक साल बाद जब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं इसे वापस ले आऊंगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना होगा। तो हां जिंदा नहीं बचेगा या फिर वो पिकलो जैसा बन जाएगा। अच्छा। इसकी चाहत है ट्रेन होना। तो जरा मुझे समझने दो। वैसे तुम्हारा दोस्त, शायद मुझे यहाँ रहकर इनके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपनी आवाज नीचे रखो। किंग यमा के साथ इज्जत से पेश आओ। नहीं। किंग का इससे भी ज्यादा ताकतवर है। तुमने कुछ कहा? क्या मैंने? उस इंसान से ऐसे बात नहीं करते जो तुम्हें नर्क में भेज सकता है। आपने सुन लिया? आपके कान तो बहुत तेज है सर। मैं तुम्हें एक गाइड दूंगा, अब बाहर जाओ और इंतजार करो। बाय। A few moments later. नेक वे एक बहुत लंबा और खतरनाक सफर है। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? आप तैयार हैं? मैं नहीं। मेरा मतलब, जब मैं जिंदा था तब मैं काफी हेल्दी था, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ तो मुझे... कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्वेलिन, क्यों ना तुम उसे ये बुरी खबर सुनाओ, वो तुम्हें पसंद करती है। मैं उम्मीद है उसने वो कहावत जरूर सुनी होगी, मैसेंजर को नहीं मारते। हम पहुंच गए स्नेक वे। तो ये है स्नेक वे, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको यहाँ से चलकर स्नेक वे के दूसरे सिरे पर जाना होगा। ओके। काफी लंबा रास्ता है ना? हाँ, लेजेंड के मुताबिक स्नेक वे का एक सिरा दूसरे सिरे से लगभग 10 लाख मील दूर है। 10 लाख? पिछले 10 लाख सालों में सिर्फ एक पहुंच पाया है। अबे साले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अब मुझे शुरुआत करनी चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। अरे क्रिलिन। हाँ? हे क्रिलिन, कैसे हो? सब ठीक? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में वो वापस नहीं आएगा। गोकू ने कहा वापस नहीं आएगा? नहीं, हाँ वो जल्द ही वापस लौटने वाला है। अब उठ जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। तुम मेरे डैडी नहीं हो, आप कहाँ हैं डैडी? ये क्या बचपना है? चुप हो जाओ, रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अबे साले, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बस करो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम फिर से रोए तो क्या होगा। लेकिन तुम्हें ट्रेन करके जो शक्तियाँ हमें हासिल होंगी उसकी हमें जरूरत है। मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। भले ही तुम्हें यकीन ना हो, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। बस करो, मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। नहीं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। वाहन, हम तुम्हें इस दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाएंगे। मैं बस लड़ना झगड़ना नहीं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ लिख के स्कॉलर बनना चाहता हूँ। ये बचपना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अबे साले, चुप हो जाओ और अपने कपड़े उतारो। मेरी ताकत खत्म होने वाली है, लगता है मुझे पैदल चलना होगा। मुझे ट्रेनिंग कैसे करनी है? फिलहाल तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद अगर तुम जिंदा बचने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लड़ते हैं। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं?
मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा। रोना बंद करो, अब वक्त आ गया है तुम्हें बचपना छोड़कर मर्दों की तरह रहना चाहिए। आपका मतलब है शेर, शेर और चीत। याद रखो तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया तो? तुम्हें क्या लगा ये बहुत आसान है? जितनी जल्दी तुम इसे मान लोगे उतना ही बेहतर होगा। नहीं। चुप। कामी, आखिर हुआ क्या? ये पिकलो है, मैं अभी भी उसके दिल में शायद। ये क्या है? रानी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसके अंदर बदलाव आने लगा है मिस्टर पोपो। अच्छा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये आइडिया ठीक नहीं है, मुझे याद रखना होगा नर्क से बचकर रहो। What? मैं फंस गया हूँ, मैं नीचे नहीं आ सकता, कोई मेरी मदद करो। पता नहीं वो गाइड ऐसा क्यों कह रहा था, उसने कहा था क्योंकि मैं मर चुका हूँ। माफ करना, मैं नहीं बता पाया। अच्छा, हमको सिखा रहा है। वहाँ जाकर उनसे बात करनी चाहिए थी, ये इतना मुश्किल नहीं था। देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम चीची को लेटर लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे नहीं बताना पड़ेगा, शानदार आइडिया है। मैं थक गया हूँ, डर लग रहा है। अरे वाह एप्पल्स, शायद पेड़ से गिर गए होंगे, मजा आ गया। मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छे लगे होंगे बच्चे, ये सिर्फ पहला और आखिरी मौका है जब मैंने तुम्हारी मदद की है। A few moments later. अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फंस गया, मैं कभी नीचे नहीं उतर पाऊंगा। बस करो, अगर वो एक दिन घर नहीं लौटा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप इसका मतलब जानते हैं, शुरुआत में सिर्फ एक ही दिन की बात होती है, फिर पता चलता है आप और आपके बच्चे बेघर हो गए हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।